आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना वही अगला लेक्चर टर्मिनेटिंग फंक्शन रूप का लास्ट पार्ट। इसमें हम एसिड के सारे डेरिवेटिव्स और साइनेट की नेमिंग सीखेंगे। देखिए जितने भी ये कंपाउंड हैं ये सभी एसिड डेरिवेटिव्स हैं और एस्टर है ये। अब मुझे एस्टर की अगर नेमिंग सीखनी है तो सबसे पहले मुझे वही बेसिक बात कि इसका प्रीफिक्स क्या होगा, ये सारी बातें मुझे सीखनी है। देखो अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करता हूँ तो इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसको और डिटेल में हम सीखेंगे जब हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड सीखेंगे। इसका सफिक्स 2 डिग्री होता है O8 और इसका स्पेशल सफिक्स जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलेट। अब सबसे पहले एक बात और समझिए जो मैं बताना भूल गया था। देखो जो स्पेशल सफिक्स होता है हम उसको वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड ना कर सके। दोबारा से सुनिए, स्पेशल सफिक्स को हम वहां यूज करते हैं जहां पर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग इंक्लूड ना कर सकें। याद करिए जहां पर 3 आते थे उस केस में हम लोग एक मेन पेरेंट कार्बन चेन लेते थे जो डायरेक्टली अटैच होते थे, तो उस केस में यूज करते थे, तो वहां पर यूज करेंगे। अब हम नेमिंग की बात करते हैं। देखो नेमिंग बताने से पहले एक बात और समझानी पड़ेगी। हमारे पास जो एस्टर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब एस्टर की नेमिंग में आपको ध्यान ही रखना है कि जो ऑक्सीजन से लगा हुआ ये जो R है इसका नाम सबसे पहले आता है एल्काइल की तरह, और यहाँ पर फिर लिखते हैं एल्केन, कितने कार्बन होंगे, और लास्ट में लगा देते हैं O8। एल्केन का E हमने हटा दिया क्योंकि लगातार दो बबल्स रिपीट नहीं होते। तो नाम करने का तरीका होता है एल्काइल एल्केनोइड। ऑक्सीजन से लगा हुआ जो भी कार्बन चेन है वो सबसे आगे एज अ साइड चेन, ये तरीका है, उसके बाद एल्केनोइड आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यदि इस मेन चेन में कोई साइड चेन हो और यहाँ पर ये जो साइड चेन है इन दोनों में हम लोग अल्फाबेटिकल कंपेरिजन नहीं करेंगे, ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप ही सबसे आगे आएगा। इस पॉइंट पे तुम अच्छे से समझना है, एग्जांपल मैं समझाऊंगा कहीं ना कहीं आएगा। देखो पहले एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास ये जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, देखो ये क्या है, CH2CH3, ये साइड चेन है तो ये सबसे आगे आएगा, तो इसका नाम कैसे लिखूंगा मैं, इथाइल। अब यहां पर कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेन और लास्ट में लगा दोगे O8। ऐसे करेंगे, ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप सबसे आगे एज अ रेडिकल नेम, और फिर यहाँ पर कार्बन, दो कार्बन है तो इथेन O8। ई हमने हटा चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस केस में भी वही ऑक्सीजन से लगा क्या है, इस बार मिथाइल लगा है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3। 3 का मतलब क्या होता है, प्रोपेन। ई हटा देंगे लास्ट में क्या जाएगा, O8। इस सवाल की बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन से क्या लगा है, ET, और ET का मतलब क्या होता है, इथाइल, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा इथाइल, और एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है तो दो, मतलब इथेन O8। इसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, अच्छे से देखिए ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप क्या है, फिर वही लगा हुआ है आपके पास इथाइल। अब यहां पर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं मेन चेन में, 1, तो ये हो जाएगा मिथेन O8। तो इतने से हमें समझ में आया कि तरीका ये होता है एल्काइल एल्केनोएट। चलिए यहां शुरू करते हैं। देखो फिर से ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप क्या है, CH3, तो यहां पर हमारे पास नाम आ जाएगा मिथाइल। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये जो है ये यहां पर क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, और ये सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो जहां पर हम टर्मिनेटिंग फंक्शन के कार्बन को इंक्लूड ना कर सके उसके लिए हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। जहां पर हम लोग टर्मिनेटिंग फंक्शन के कार्बन को इंक्लूड ना कर सके उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये क्या है, कार्बोक्सिलेट। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना। इस सवाल की बात करते हैं, आप बोलोगे सर दोनों सवाल एक है, तो सुनिएगा एक नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन से क्या लगा है तो ये साइड चेन हो जाएगा ना, तो अब इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, गौर फरमाइएगा, और ये दो कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, इथेन O8, इथेन O8। इस सवाल की बात करते हैं, ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइल। फिर यहाँ पर इसको हम लोग ले रहे हैं तो लेकिन इसको हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स लिखेंगे, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन
कार्बोक्सिलेट, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा ये जो हमारे पास ऑक्सीजन से लगा है ये साइड चेन, ये तो सबसे पहले आप लिख दो तो ये हो जाएगा मिथाइल। आगे क्या करोगे, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है। अब यहां पर इसका वर्ड रूट क्या है, पेंट, डबल बॉन्ड कितने पे है, थ्री पे, इन, और लास्ट में आ जाएगा ओ एट। ई आपको हटाना है, ये चीज तो आपको पहले से पता है। इस सवाल की बात करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन से क्या लगा है, ये वाला पूरा ग्रुप लगा है और ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग कैसे करते हैं, देखो ये वन पायलट एटम, टू, थ्री, फोर, तो टू पर और थ्री पर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप, तो हम लोग नाम कैसे करेंगे, टू कॉमा थ्री डाइमिथाइल, आगे बोलो ब्यूटाइल। तो ये तो हो गया हमारे पास साइड चेन का नाम। अब क्या करेंगे, कितने कार्बन है, दो, तो नाम आ जाएगा इथेन ओ एट। सर आपने यहां पर पूरा नंबर क्यों नहीं दर्शाया, क्योंकि यार यहां पर वन है ना और यहां पर टू है, तो वन को लिखो या मत लिखो बात एक ही है। इस सवाल की बात करते हैं टेंथ नंबर की, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें वही दोबारा से ऑक्सीजन से ये लगा है और ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो ये वन और ये टू, ठीक है। तो यहाँ पर नाम हम लोग कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखना आप, ठीक है। मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, इसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ। वन पर क्या लगा है, क्लोरो, तो हम लिखेंगे वन क्लोरो इथाइल, इतना हो गया। अब यहाँ देखो वन टू थ्री फोर, अब थ्री पर क्या लगा है, ब्रोमो, थ्री ब्रोमो, इतना हो गया, ब्रोमो हो गया। अब आप बोलोगे सर ये दोनों ही साइड चेन है, लेकिन ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में आता है, तो सुनिएगा मैंने आपको बोला जो ऑक्सीजन से आर लगा होता है और अगर इसमें कोई आपके पास साइड चेन आएगा तो उनको हम लोग अल्फाबेटिकल कंपेयर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, हम इनको और इनको अल्फाबेटिकल कंपेयर नहीं करेंगे। ये तो रूल ही है ना, ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप सबसे आगे आएगा, फिर कहां से आपका अल्फाबेटिकल रूल आ गया। तो इतना हमने साइड चेन लिख दिया, कितने कार्बन है, चार, तो चार को मैं लिख देता हूं ब्यूट, टू इन, और आ जाएगा ओ एट, ब्यूट टू इन, सही कर लो, ब्यूट टू इन ओ एट, ये इसका नाम आ गया। इसके नाम की बात करते हैं, वही सिंपल सा तरीका है यार, बार बार देखो ये क्या हो जाएगा, वन टू, तो अब इसका नाम हम लिख देंगे साइड चेन का साइक्लो प्रोप टू इनाइल, साइक्लो प्रोप टू इनाइल। अब इसमें क्या करोगे, वन टू थ्री फोर, वही दोबारा ब्यूट टू इन ओ एट। अगर मैं लास्ट एग्जांपल की बात करता हूं, देखना बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आपको क्या समझना है, इस एग्जांपल में समझना है कि यदि आपके पास दो एस्टर ग्रुप आ जाए तो इसका नाम होगा डाइमिथाइल, है ना, डाइमिथाइल, और दो है तो ये हो जाएगा इथेन, या इसको वन दे दो, इसको टू दे दो, वन कॉमा टू डाई ओ एट, ये नाम हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास पूरे एस्टर की नेमिंग। तो यहाँ पर कुल मिला के ध्यान ही रखना है कि इनका ये सब कुछ क्या होगा, स्पेशल सफिक्स हम तब यूज करते हैं जब हम टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड ना कर सके। उसके बाद ये हमारे पास तरीका होता है, आर सी ओ आर, ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप सबसे आगे आता है और यह जो है इसके हम कार्बन एटम को एल्केन ओ एट कर देते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इस एग्जाम्पल में मैंने बता रखी है कि यदि कोई आपके पास साइड चेन है और यहाँ पर भी अगर कोई साइड चेन हो तो दोनों में अल्फाबेटिकली हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये रूल है ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप सबसे आगे आना ही आना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं एसिड हैलाइड की। देखिए अब एसिड हैलाइड में मैं बात करता हूं इन सब की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एसिड हैलाइड का 2 डिग्री सफिक्स क्या है। हम लोग जो इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। अब इसका प्रीफिक्स और स्पेशल सफिक्स मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब जो ऑयल हैलाइड है तो सुनो, हैलाइड का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सभी हैलोजन हो सकते हैं। इतनी बात हो गई, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में बात करते हैं कितने कार्बन हैं, दो कार्बन हैं, तो हमारे पास नाम आ जाएगा इथेन, लगातार दो बबल्स रिपीट नहीं होते तो ये हो जाएगा इथेनोइल क्लोराइड।
ऐसे ही आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है। इसमें देखते हैं, एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारे पास मिथेनॉइल क्लोराइड। इस सवाल की बात करते हैं, देखो यहां पर देखो 1, 2, 3, 4 नंबरिंग यहीं से करेंगे, टर्मिनेटिंग वाला है तो उसके कार्बन को इंक्लूड करना ही करना है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इसकी बात करते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां से नंबरिंग 1, 2, 3 तो अब इसमें क्या जाएगा, 2 पर मिथाइल लगा है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, कितना वर्ड रूट है 3 का, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, साइड चेन आ जाएगी। इस वाले की बात करते हैं, वही दोबारा से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अब यहां पर आ जाएगा नाम 2.2 डाइमिथाइल, है ना, 2 पर ये भी लगा है, ये भी लगा है, और कितने कार्बन है 3, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इस सवाल की बात करते हैं, देखो कितनी स्पीड में हो रहे हैं सारे सवाल, 1, 2, 3 आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दो, तो डबल बॉन्ड से पहले भैया फंक्शनल ग्रुप देखते ना, देख लिया, तो अब हमारे पास नाम क्या जाएगा इसका, इसका नाम आ जाएगा हमारे पास प्रोप, डबल बॉन्ड कहाँ है 2 पर, 2 इनाइल, 2 इनोइल क्लोराइड। इसके बाद अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, देखना ध्यान से, यहां पर करेंगे 1, यहां पर करेंगे 2, अब 3 हम लोग यहां करेंगे डबल बॉन्ड को कंप्लीट करते हुए, 4 अगर हम बात करते हैं तो देखना 2 पर क्या लगा है इथाइल, तो हम बोलेंगे 2 इथाइल सबसे पहले। अब इस वाले में कितने कार्बन है 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा ब्यूट, कहां पर डबल बॉन्ड है 2 पर, इनोइल क्लोराइड। लास्ट वाली की बात करते हैं, देखना ध्यान से, यहां पर 1, यहां पर 2, अब यहां पर डबल बॉन्ड कंप्लीट करते 3 और फिर यहां पर 4, ये जो है 2 पर क्या लगा है आपको पता है साइक्लोब्यूटाइल, तो 2 साइक्लोब्यूटाइल, कितना वर्ड रूट है 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा ब्यूट, डबल बॉन्ड कहां है 2 पर, 2 इनोइल क्लोराइड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे ही नाम समझ में आ रहे होंगे, मतलब एक बार अगर आप बेसिक तरीका सीख लो उसके बाद तो ये सिर्फ यार बस बहस क्वेश्चंस करने के लिए हो जाएंगे। अब हम इसके बाद एसिड अमाइड को पढ़ते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं अमाइड की, ठीक है, तो अमाइड में हमें जो ध्यान रखना है, इसका जो हमारे पास 2 डिग्री सफिक्स होगा वो अमाइड होगा और स्पेशल सफिक्स हमारे पास कार्बोक्सामाइड होगा। अब इतनी ही बातों के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो पहला एग्जांपल है तो वही सेम बात करनी है हमें, यहाँ पर अगर हम 1 बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 2 कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड, इथेन अमाइड, ई हटा देंगे इथेन का और आ जाएगा इथेनामाइड। इस सवाल की बात करते हैं, वही सेम देखो 1, 2, 3, 4 चार कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। इस सवाल की बात करते हैं, ये अच्छा सवाल है, देखो यहां पर ये एक तरह से 2 डिग्री वाला पार्ट हम बात कर सकते हैं, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सारे होते हैं ना, तो यहां पर हम ये बात कर सकते हैं, देखो N के साथ क्या लगा है मिथाइल लगा है, तो हमें सबसे पहले यही बताना पड़ेगा कि N मिथाइल, उसका कितना कार्बन है 1 है, तो ये हो जाएगा मिथेनामाइड। तो आपको ध्यान ही रखना है, यदि आपके पास R C डबल बॉन्ड O N R और R है तो आपको यहां पर N कॉमा N से दर्शाना पड़ेगा, यदि सेम है तो N कॉमा N कर सकते हैं, नहीं तो अलग, मतलब N को आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने ये लिखा है N मिथाइल मिथेनामाइड। इस सवाल की बात करते हैं, देखो यहां पर क्या लगा है इथाइल लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सबसे पहले N इथाइल, एक कार्बन है तो ये नाम हो जाएगा मिथेनामाइड। इस सवाल की बात करते हैं, ध्यान से देखना, यहां पर N पर इस बार ये वाला ग्रुप लगा है, आपको लिंकेज समझ में आनी चाहिए, और ये C डबल बॉन्ड NH आपके पास अमाइड होता है, ठीक है, फंक्शनल पहचान में दिक्कत नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा N इथाइल मिथेनामाइड। देखो सेम सवाल है, बस ये जानबूझ के दिया था ताकि आप पहचानने में दिक्कत ना कर दो।
इस सवाल की बात करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। देखो मिथाइल ये भी है, मिथाइल ये भी है, मिथाइल ये भी है, तीनों ही मिथाइल हैं। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एन कॉमा कहाँ पर है, थ्री कॉमा थ्री ट्राई मिथाइल एक साथ ले सकते हैं एन के साथ, और यहाँ कितने हैं चार, तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेना माइट। इसकी बात करते हैं, वही दोबारा से देखो, एन के साथ ये वाला है तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग कर लेंगे। ये कितने कार्बन हैं, दो, तो एक बात तो पक्की है इथेना माइड आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ करोगे तो ये टू और थ्री पे, देखो हम लोग ऐसे करेंगे एन ब्रैकेट कर लिया, अब यहाँ पर क्या जाएगा टू कॉमा थ्री डाई मिथाइल, टू कॉमा थ्री डाई मिथाइल, एक दो तीन चार, चार है तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, और लास्ट में आ जाएगा इथेनामाइड। कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग आपको आनी चाहिए, इतनी टिपिकल नहीं है। देखो इस सवाल की बात करते हैं, यहाँ पर ये सी डबल बॉन्डों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग स्पेशल सफिक्स लिखेंगे, याद आया स्पेशल सफिक्स, तो इसका नाम हमारे पास जो हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ साइक्लो ब्यूटेन, चार कार्बन थे, और इसके लिए हो जाएगा कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, क्योंकि कार्बोक्सामाइड का क्या है स्पेशल सफिक्स। इस सवाल की बात करते हैं, देखो तीन फंक्शनल ग्रुप हैं और ये मेन पेरेंट कार्बन चेन है, क्योंकि ये तीनों ही क्या है डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और तीनों को हम अगर नहीं ले रहे हैं तो इनके लिए भी हम लोग स्पेशल सफिक्स लेंगे, क्योंकि इस मेन पेरेंट कार्बन चेन में ये तीनों के कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहे, तो स्पेशल सफिक्स तभी यूज होता है जहां पर वे कार्बन इंक्लूड नहीं होते हैं। तो देखो ये हो जाएगा वन कॉमा, या ऐसे करो कितने हैं तीन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन वन कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई कार्बोक्सामाइड। इस सवाल की बात करते हैं, देखो एन पर ब्रोमो है और एन पर क्लोरो है, तो इसका नाम आ जाएगा एन ब्रोमो अल्फाबेटिकल और एन क्लोरो, कितने कार्बन हैं दो, तो दो की जगह हम लिख सकते हैं इथेनामाइड, क्योंकि दोनों एंड पे ही लगे हैं तो हम यहाँ पर अल्फाबेटिकली देख सकते हैं। देखो अब ध्यान समझना, इस बार ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये है बी आर एज अ साइड चेन और ये यहाँ पर सी एल एन के साथ लगा है, ये एक है ये दो है, इसके नाम में हमें अल्फाबेटिकल कंपेरिजन करना है। जब एस्टर की बात करते थे तो जो ऑक्सीजन से ग्रुप लगता था और मेन चेन से जो साइड चेन लगती थी उनमें अल्फाबेटिकल कंपेरिजन नहीं होता था, लेकिन इस केस में यहाँ पर करना पड़ेगा, तो इसका नाम आ जाएगा टू ब्रोमो एन क्लोरो, दो कार्बन है तो नाम हो जाएगा इथेनामाइड। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखो भैया जो IUPAC नोमिंग में लिखा हुआ है वही एज इट इज बातें हो रही हैं, ठीक है कोई क्वेश्चन में घर से बना के तो लाया नहीं। इसकी बात करते हैं तो वही देखो, यहाँ पर है वन टू कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो ये हो जाएगा एन इथेनाइल, और ये ब्रोमो है तो नाम हो जाएगा वन टू थ्री, थ्री ब्रोमो एन इथेनाइल, कितने कार्बन हैं चार, ब्यूटेनामाइड, थ्री ब्रोमो इसकी वजह से, यहां पर ये एन पर इथेनाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। ये हमारे पास पूरी नेमिंग थी अमाइड की। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये है, और एक बात ये है कि जब भी कोई एन पे ग्रुप लगे होते हैं वहां पर हम लोग एन से उस सब्स्टिट्यूएंट को दर्शाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनहाइड्राइड की। देखो सबसे पहले अगर आपको एनहाइड्राइड का सीखना है तो इसका 2D सफिक्स तो एक एनहाइड्राइड होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो मैंने जैसा कार्यक्रम कॉमन नेमिंग में सिखाया था, जब आप लोग एनहाइड्राइड की नेमिंग करते थे तो कॉमन नेमिंग में आप लोग सीखते समय क्या करते थे, एसिड का सहारा लेते थे, है ना, ये बात आप सभी को याद है कि आप जब लोग एसिड एनहाइड्राइड का नेमिंग करते थे तो एसिड का सहारा लेते थे, वैसा ही यहाँ करना है। कैसे, देखो मैं अगर समझाऊं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पर भी CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब जब मैं दो एसिड के मॉलिक्यूल लूंगा और उससे एक OH का वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालूंगा, लो निकाल दिया OH और H, तो यहाँ से हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर सी एस थ्री, तो एसिड से एनहाइड्राइड आ गया। अब आपसे अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या था एसिड का, दो कार्बन है तो दो कार्बन का नाम होता है एथेनोइक एसिड, और इसका नाम भी एथेनोइक एसिड है क्योंकि दोनों ही सेम है। तो जो एनहाइड्राइड जिस पेरेंट एसिड से बना है वही इसका नाम हो जाएगा, बस एसिड के नाम को हटाना पड़ेगा। मैं बोलना ही चाहता हूं इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। एक एग्जांपल से और समझाता हूं, जैसे मान लो इस बार मैं लेता हूं एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यहां से क्या होगा सभी लोग बताइए, यहां से OH, यहां से H, तो हम लोग सबसे पहले एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CS3 एनहाइड्राइड। अब एसिड का नाम कीजिए जल्दी से, इसका नाम होता है मेथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होता है मेथेनोइक एसिड, और इसका नाम क्या होता है एथेनोइक एसिड। तो अभी भी बोला जो एनहाइड्राइड का नाम होता है वह उसके पेरेंट एसिड से पता चलता है, तो अब अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो यहां पर मैं लगाऊंगा अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल, क्योंकि दो अलग अलग एसिड हैं, तो एम और ई में ई पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, अब समझ चुके हो एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने आपके पास कुछ इस तरीके से एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जिसका नाम क्या है, इसका नाम बताइए अगर आपको याद आ रहा हो सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब वही करना है यहां से OH और यहां से H, तो एक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा ये, और कैसा फॉर्मेशन होगा देखो, मतलब इस एसिड का नाम था सक्सिनिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो कुल मिला के समझाना ये चाहता हूं एनहाइड्राइड का नाम उसके पेरेंट एसिड से ही हमेशा आता है। तो ये तो चलो ऐसा हो गया, लेकिन मान लो अगर सवाल ऐसा आए एनहाइड्राइड की फॉर्म में तब कैसे करेंगे, तो सुनिएगा मैंने आपको ये भी सिखाया था रेट्रोसिंथेसिस, याद आया या नाम ही खो गए थे, OH की तरफ H और यहाँ पर OH। जब भी किसी एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड में वाटर मॉलिक्यूल दोगे तो एसिड। तो जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ से बताइए क्या फॉर्मेशन होने वाला है, यहां से आपके पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आएगा इस तरीके से, ठीक है इस वाले में। ये तो मैंने आपको कॉमन नाम बताया था, जैसे अगर आप आयुपैक नाम करोगे ना, हम लोग आयुपैक नाम पढ़ रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो इसका आयुपैक नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1.4 डायोइक एसिड, और यहां पे लगा दो एनहाइड्राइड तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1.4 डायोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम करते हैं। आपने सबसे पहले एनहाइड्राइड से एसिड बनाया, बना लिया, अब क्या करोगे नंबरिंग, देखो नंबरिंग यहां से करोगे कि यहां से, क्योंकि साइड चेन को कम से कम 2, 3, 4, अब कैसे करोगे, 2 पर आपके पास है मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1.4 डायोइक। अब इसका नाम अगर एसिड लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का नाम करना थोड़ी उल्टी खिचड़ी है, मतलब आपको पहले उसको एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो नाम उसके पेरेंट एसिड का होगा। अब ये मत बोलना सर हमें एसिड का नाम करना नहीं आता, यार पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ाया, पूरी की पूरी टॉपिक बताई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ की ऐसी धज्जियाँ मत उड़ाओ, है ना। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ऐसे ही आप ऐसे करिए, इसका नाम बता दो। ये लास्ट वाला एग्जांपल अपने आप बताओ यार, देखो बहुत प्रैक्टिस करनी है, मेरे सिखाने के बाद भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पकड़ सालों साल तक रहेगी। अगर ये सवाल अपने आप कर रहे हो तो समझ रहा आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो रहा है। अब बोलोगे सर इसका आंसर चेक कैसे करेंगे, आप बताओगे क्या, तो सुनो यार आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ रहे हो ना कि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका नाम सही है कि इसका नाम गलत है। अच्छा आपको इसको क्या एसिड में तोड़ना नहीं आ रहा, लो भाई मैं तोड़ देता हूं, यहां पर H और यहां पर OH, लो मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूं, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। अब क्या आपको इसका आयुपैक नेमिंग नहीं आएगा, ये एसिड हो गया,
ऐसी गलती मत करो ना यार, ये तो सब सिखा रखा है। इसका भी ऐसे ही नाम बताओगे आप लोग, यहाँ पर H, वहाँ पर OH, जब इसको करोगे तो बताओ कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, नाम बताना आप दोनों का। चलो मैं इसका नाम बता ही देता हूँ, इसका बता देता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट टू इन, अरे डबल बॉन्ड है और दो हैं तो 1.4 डाइओइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग एसिड के एनहाइड्राइड की नेमिंग करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, अब लास्ट पार्ट करते हैं हम लोग साइनाइड की नेमिंग। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, साइनाइड। देखो साइनाइड की अगर नेमिंग करते हैं तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले साइनाइड का जो 2° सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं, हमारे पास यही होगा मेन पेरेंट कार्बन चेन, तो ये 1 है ये 2 है, दो कार्बन होंगे तो दो कार्बन का हम लोग लिखते हैं इथेन और आगे आ जाएगा नाइट्राइल। एथ हो जाएगा वर्ड रूट, एन हो जाएगा 1° सफिक्स और नाइट्राइल हो जाएगा 2° सफिक्स। ऐसे तो करते हैं यार PWS। अब क्योंकि यहाँ पर कोई साइड चेन नहीं है तो कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, इसकी बात करते हैं 1, 2, 3, तीन कार्बन का हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। अब हम लोग यहाँ ई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो 2° सफिक्स है वो बॉबल से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसकी बात करते हैं 1, 2, 3, तो ये नाम हो जाएगा 2 पर मिथाइल लगा है, तीन कार्बन है तो प्रोपेन और लास्ट में क्या जाएगा नाइट्राइल। इस सवाल की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3। अब ध्यान सुनना, डबल बॉन्ड को लेना है मेन पेरेंट कार्बन चेन में, फंक्शनल ग्रुप लेने के बाद डबल बॉन्ड लेते हैं तो अब नाम क्या जाएगा, 2 पर सबसे पहले इथाइल, फिर 3 पर क्या जाएगा प्रोपाइल, 5 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, 4 इन नाइट्राइल, 2 इथाइल, 3 प्रोपाइल, प्रोप, 4 इन नाइट्राइल। इसकी बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगातार दो डबल बॉन्ड हैं तो ये हेक्सा हो जाएगा, 2.4 डाई इन हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा नाइट्राइल। हेक्सा, एल्क की जगह एल्का लग जाता है जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आती हैं, इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास मेन पेरेंट कार्बन चेन, तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो नाम हो जाएगा 2-साइक्लोहेक्साइल। आ गया वो समझ में। अब लास्ट में क्या जाएगा, दो कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। ये हमारे पास थी साइनाइड। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।